गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं अभी यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे को डस्टिंग वगैरह कर देनी चाहिए, तो आज मैं थोड़ा सा ना टाइम मिला था तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फिर फालतू चीज़ें ना लाइन से रख दे रही हूँ क्योंकि ना डुगू का बुक्स वगैरह ऐसी फेंका फेंका, तो ये रफ बुक है उसकी, तो मैं निकाल दे रही हूँ उसको, इसी में थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूशन लूँगी उसका। तो वैसे तो ये बुक्स वगैरह मतलब पढ़ाती हूँ होमवर्क वगैरह, लेकिन ये एक्स्ट्रा बुक थी तो इसमें आज पूरा कराऊँगी इसको राइटिंग वगैरह। तो ये सब डस्ट करके कर दे रही हूँ, अच्छे से रख दे रही हूँ और अब देखती हूँ आगे मुझे क्या क्या कुछ करना है, क्योंकि आज मैंने सोचा तो बहुत कुछ है कुछ नया नया करने का, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। तो वीडियो पर बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ना लगाए हुए थे, यहाँ पे मेरा गणपति बप्पा का ना पूरा डेकोरेशन हुआ था, तो वो एक खिल्ला लगा था। वैसे तो ये खिल्ला एक भी गाड़ नहीं रहते दीवार में कि दीवार ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोइंसिडेंस लग चुका था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे एक मेरे पास फ़ोटो है भगवान की, राधा कृष्णा की, वो मैं लगा दे रही हूँ। तो बस मैं ट्राई कर रही थी तो वो मैंने अच्छे से लगा दिया, क्योंकि इनको बोलती ना तो बहुत टाइम लगा देते इसीलिए। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ वो अच्छी लगती है? खा रहे हो? कैसी लग रही है? अच्छी। तो यहाँ पे मैंने सब एकदम अंधेरा कर दिया है, दिन का वक्त बज रहे हैं अभी 11:15 सुबह के, लेकिन मैंने एकदम अंधेरा कर दिया क्योंकि आज मैं जाऊंगी नहीं मम्मी के घर, मम्मी के घर नहीं जाऊंगी, लेकिन अंधेरा इसलिए क्यों ना। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। तो आज मैं इसलिए अंधेरा क्यों, क्योंकि मुझे आज घर पे नहीं मम्मी के यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आज डुगू की स्कूल की छुट्टी है, सैटरडे है, तो मैंने सोचा आज दिन भर रहूंगी तो रूम ठंडा ठंडा रहना चाहिए। तो अब धूप हो रही है ना, इसलिए मैंने पहले ही अंधेरा कर दिया, ताकि लाइट ऑन कर देती हूँ सब, क्योंकि ताकि उजाला मतलब ऐसे धूप आती है ना तो गर्म गर्म सब होता है, तो इसीलिए। और मैंने आज इतनी डीप क्लीनिंग की है ना कि अब जाके मैं फ़ोन उठा रही हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ। और ये ग्रास को जो रियांश रुक जाओ उसको दे दो, अच्छा थोड़ा सा बोलने नहीं दे रहा मुझे। तो जो गणपति बप्पा के इसमें डेकोरेशन के लिए मैंने एक ग्रास लिया था ना, वो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ लगाऊं, यहाँ यहाँ दोनों साइड, या बेडरूम में, मैं थोड़ा था बेडरूम में लगाऊं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मेरा यूट्यूब से बैकग्राउंड के लिए मेरा यूज़ हो जाए। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि आज तो नहीं लगाऊंगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कल लगा दूंगी, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से लगाऊंगी और क्या। तो दो जगह सेलेक्ट किया है, और आज मैंने ये जो ये है ना हम लोग का कुछ कुछ चीज़ें ऊपर लेने के लिए काम आती है, तो इनका क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का भी काम है तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये वाला यहाँ पे था, बहुत बेकार लग रहा था, तो मैंने यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया है, और यहाँ पे ना इसको बांध दी हूँ ताकि द्रियांश अगर गिराए तो गिरे ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने जगह खाली कर दी है, और यहाँ के लिए मुझे नीचे से अभी कुछ कुछ काम करवाना है, क्योंकि देखते क्या करवाना है। और सब यहाँ पे खेल रहा है, और अभी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट तक नहीं की हूँ, और अब चल रही सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के खा लेती हूँ। और ये हर एक और चीज़ मैंने चेंजेस की है, खुद से किए ये नहीं थे। यहाँ पे डेकोरेशन हुआ था तो वो ग्रास को ना सेट करने के लिए इन्होंने एक किला लगाया हुआ था, वैसे तो नहीं लगा रहे थे, फिर उसी किले में मैंने ना राधा कृष्णा भगवान की फोटो लगा दी। कैसा दिख रहा है बताना कमेंट करके, टीवी यूनिट के बाजू में। और अभी मेरा बहुत कुछ बाकी है घर में ना, इसीलिए मैं बहुत आपको होम टूर नहीं दे रही हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें जो जो चेंज कर रही हूँ वो आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखो कितना मस्त दिखेगा ना, नहीं ये वाली लाइट राधा कृष्णा के ऊपर जो लाइट जलेगी ना, ये देखो कितना मस्त दिखेगा ऐसे। वैसे तो सब लाइट ऑन कर दूँ ना तो अच्छा ही दिखेगा। ये टीवी यूनिट का लाइट है, ये देखो ऐसे लग रहा है। अभी ये वाली लाइट वहाँ से ऑन होगी, देखो कितना मस्त दिख रहा है ना, अभी दिन का टाइम है इसलिए, ये देखो अच्छा दिख रहा है ना, ये देखो बहुत अच्छी फोटो है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी एकदम सेपरेटली, ताकि ये हाईलाइट हो फोटो, क्योंकि ये वॉल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्णा की फोटो। अपना मैं ब्रेकफास्ट ब्रंच बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने तीन रोटी ली है, वैसे तीन रोटी खाते नहीं है, बट एक रोटी ध्रियांश की और एक रोटी, दो रोटी अपनी। देखो अब पर्दा मुझे ओपन करना ही पड़ जाएगा, खाने के बाद बंद लगा दूंगी।
यहाँ, क्योंकि ना ऐसे मुझे ट्रेन वाली फीलिंग आती है कि यहाँ ऐसे देखते रहो व्यू और खाना खाते रहो। आ जाओ द्रियांश, मैंने अचार लिया है, कोड़े की भाजी ली है, रोटी ली है। डुगो भी यहीं आ गया, खाओ। अच्छा, सो मैं अभी बस शार ली हूँ, कपड़े वपड़े धो के पूरा काम मेरा अब जाके डन हुआ और अब मैं चल रही हूँ खाने। मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की है ना, इंट्रो नहीं दिया, सो पहले इंट्रो दे देती फिर खाती हूँ। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज प्रिया की लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ और मेरा सारा काम हो गया जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया। और अब चल रही हूँ खाने, बहुत तेज़ों की भूख लगी है यार सच में। सुबह से कुछ खाई नहीं थी ना, सिर्फ चाय पी थी। अचार, रोटी भाजी। रियांश आओ, रियांश खेल रहा है उधर। सो मैं आ गई थी दूध लेने और मैगी का पैकेट लेने, तो अब लेके चलती हूँ घर। तो मैगी भी ले लिया क्योंकि आज यही बनाऊँगी। और ये देखो बच्चे सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, इतने शांति है ना घर में, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो ये देखो चुपचाप मैं, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी ना क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि शांति में अगर थोड़ा सा किटपिट भी कर दो ना तो भी उठ जाते, इसलिए मैं एकदम शांति थी ताकि ये लोग की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो दोनों जन सो रहे हैं और मैं लेटी थी, ब्लॉग्स वगैरह देख रही थी, वीडियोज़ देख रही थी, ऐसे कुछ भी कुछ भी। तो बस आज मैंने फुल टाइम पास किया है, काम वाम करके फुल रिलैक्स की, बहुत अच्छा फील हुआ। और देखती हूँ शाम के खाने में भी क्या बनाना है क्या नहीं, अभी इनसे भी बात नहीं हुई है क्योंकि ये भी बिज़ी रहते हैं, न्यू जॉब है तो ये अपना पूरा दिमाग ध्यान अपना सब वहीं पर लगाते हैं, इसलिए फोन नहीं करते हैं। तो मैं आ गई किचन में मैगी बनाने, क्योंकि उन लोग के उठने से पहले बना दूँ, नहीं तो उठ जाएंगे ना तो फिर बनाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सा पानी वाला मैगी बना रही, तेल वेल नहीं। तो ये देखिए मेरा मैगी उबलने लगा, अब यहाँ पे मैं डुगू उठ चुका है इस टाइम पर, तो चल रही है मैं दे देती हूँ खाने। तो मैं और डुगू गर्मा गर्म मैगी लेके बैठे हैं, फ़ैन ऑन कर दिए, ठंडा होगा और खाएंगे। अंधेरे में मस्त रूम में कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा, मीठा 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 लग रहा है, पागल। थोड़ा सा मीठा लग रहा है, थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा गर्म। सूपी मैगी। मैंने डुगू से मंगाया स्प्राइट और यहाँ द्रियांश सो के उठ गया और खेल रहा है। डुगू ग्लास भी लेते आना। और मैं हूँ बेडरूम में, आज मैं पूरा दिन रिलैक्स की हूँ। ग्लास भी लेके आना बाबू, पहले बॉटल ला दे, एक एक चीज़ नहीं तो गिर जाएगा। वो किचन में गया है, क्या हुआ लेके आओ। सब एक साथ लेके आएगा इसीलिए टाइम लगा रहा है, मुझे मालूम था। ला एक ही भी, मुझे भी पिला देना एक ही। अच्छा, इसीलिए एक ही ग्लास लेके आए। हाँ चलो ठीक है, ग्लास। गुगु से मंगाई एक और ग्लास और मैं यहाँ पी रही हूँ। अब मैं लूँगा। और यहाँ पे मैंने चिप्स का पैकेट मंगा लिया और स्प्राइट, दोनों मजे करके खाएंगे। तीखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता ना। ठीक है, सिर्फ खाते। वैसे आज का दिन मुझे बहुत रिलैक्सफुल लगा, कहीं जाना नहीं, अपना काम वाम करके दिन भर सोई हूँ। सोई तो नहीं हूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, पाँच मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ। सिर्फ हाँ फ़ोन्स देखी हूँ, फ़ोन यूज़ की हूँ, वीडियो एडिटिंग की, वीडियो अपलोड की और दूसरे लोगों का व्लॉग देखी, यही सब किया। चलो वीडियो को लेके चलते हैं आगे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। यहाँ पे देखो डुगू को मैं डांटी थी ना, तो डुगू रो रहा था और डुगू को रोता देख के द्रियांश भी रो रहा है। सुनो आप लोग आवाज,
सो अब मैं आ गई थी किचन में, तो दोपहर में जो मैगी वैगी बना था वो सब मैं बर्तन धुलने आ गई थी। तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल के रख रही हूँ और डुगू को मैंने बोला रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये देखो कितना हिला हिला के रिकॉर्डिंग करता है। सच में डुगू को बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ। रियांश भी जब तक मैं ना स्टैंड वगैरह सेट करूँगी तब तक रियांश तो गिरा ही देगा, इसीलिए मैं सेट ही नहीं कर पाती। तो डुगू को ही बोल दिया थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करने के लिए। डुगू देखो जूम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो क्या करे, बच्चे हैं। और पता है मैं वीडियो एडिट करते टाइम वीडियो रियांश का दिखा रही थी ना कि रियांश रो रहा है, रियांश इतनी बार नाम लिया है रियांश ऐसे कर कर के मैं, लेकिन दूसरा फ़ोन तो है नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ उससे। सच में रियांश जी पहली बार अपना नाम लिया रियांश ऐसे। तो चलो फिर तो अब लेना स्टार्ट किया तो ले गई, मैं कभी और रिकॉर्ड कर लूँगी। सो वीडियो पे बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब बर्तन धुलने के बाद मैं तैयारी करूँगी डिनर की बनाने की। तो डिनर में देखते हैं क्या कुछ बनाना है, पहले इनको फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या बनाना क्या नहीं, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मन हो रहा आज खिचड़ी बना दूँ, लेकिन पहले इनको पूछ लूँगी क्योंकि इनकी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए तो जैसा इनको कंफर्ट रहेगा वैसे बोलेंगे तो वही मैं बना दूँगी। तो थोड़े थोड़ा देखो बाहर कैसे मौसम हुआ है ना, शांत सा एकदम, शाम को बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो म्यूज़िक लगा दे रही, बाय बाय। फ्रेंड्स मैं बनाने लगी खिचड़ी, क्योंकि इन्होंने भी बोला सैटरडे खिचड़ी बना दो, सादा सादा सा खाना वही अच्छा लगेगा। तो खिचड़ी मैं वही बना रही हूँ। और मैंने ना पता बातें की थी, लेकिन ना बाजू वाले घर में ना इतना काम हो रहा था ना, ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही थी इतने रात को भी, तो इसीलिए मैंने फिर वॉइस ओवर करना ही सही समझा, तो बस इसीलिए। तो चलिए मिलती थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो फ्रेंड्स ये आ गए ऑफिस से, और आते ही पहले रियांश ना इनके गोद में जाता है, तो ये रोज़ का रूटीन है। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आज रियांश बोल रहा है ना ये खुद से, तो उनको भी बोल के सुना दिया। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़।